अब ये एक अजीब ट्रेंड है ना, आप किसी सेनेटर को बाहर के विजिट पे भेज दें, किसी को अच्छी कमेटी में डाल दें, वो फौरी तौर पे साथ मिल जाता है। कामरान मुर्शिद साहब को इस चीज का बेहतर पता है, मैं ज्यादा पर्दा उठाना नहीं चाहता, मेरी अपनी के अपनी पार्टी के कुछ लोग हैं जो कल मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे इस बात पर्दे में रहने दो। मगर बात यह है कि ये जी इसको मतलब ये बंद होना चाहिए। अब लोग तार साहब निकल रहे हैं, लेकिन ये जो चले सदरे मुमलिकत वाला तो एक मामला है। आपके जब आखिरी आयाम थे हुकूमत के, तो उसमें जो है वो एक और भी चीज़ हुई थी कि चेयरमैन सेनेट की मुराद का बिल भी आया था, जिसपे ज़ाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर उसे कंडेम किया था और कहा था ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताइए, इस तरह के बिल, इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की डिमांड्स, आप समझते हैं कि ये ठीक है, जायज़ है, ओहदा है बड़ा, तो फिर ये भी होना चाहिए? देखिए, बड़ा अफसोसनाक है, कंडेमेबल है कि ये लोग फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ होते हैं, और मतलब चेयरमैन सेनेट का भी जो बिल आया, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे, मगर इंतहाई अफसोसनाक हरकत है कि प्राइवेट जेट और चार्टर्ड जेट और मुलाजमीन की फौज जफर मौज और ट्रैवलिंग और अलाउंस और टीएडीएस और तनख्वाहों में इजाफा, खुदा का खौफ करें, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये हमने अदा करना है टैक्सों में जिनसे आपने ये मरात लेनी है। मतलब ये इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। मैंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, मगर अब इसमें रजा रबानी साहब भी शामिल थे इस बिल को बनाने में, बहुत सारे सेनेटर्स ने, अब ये एक अजीब ट्रेंड है ना, आप किसी सेनेटर को बाहर के विजिट पे भेज दें, किसी को अच्छी कमेटी में डाल दें, वो फौरी तौर पे साथ मिल जाता है। कामरान मुर्शिद साहब को इस चीज का बेहतर पता है, मैं ज्यादा पर्दा उठाना नहीं चाहता, मेरी अपनी के अपनी पार्टी के कुछ लोग हैं जो कल मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे इस बात पर्दे में रहने दो। मगर बात यह है कि ये जी इसको मतलब ये बंद होना चाहिए, और सदर मुमलिकत की तो तनख्वाह काटनी चाहिए, जितना झूठ उन्होंने इन बिल्स पे बोला और गलत बयानी करके ट्वीट करके, अल्लाह मुझे माफ करे, माफी भी मांग ली साथ ही, तो सदर मुमलिकत का तो कटौती होनी चाहिए थी तनख्वाह में, जिसमें इजाफा कर दिया गया है, झूठ बोलने उनको तो बतौर सजा के मेरा ख्याल है तनख्वाह काट लेनी चाहिए। सर खाली कटौती से काम चलेगा नहीं साथ, नहीं देखिए कटौती भी हो, और मैं तो इसका भी इस बात पे भी कायल हूं कि जब भी कोई पार्लियामेंट आएगी, इस सदर की इंपीचमेंट भी बनती है कि इन्होंने इस ओहदे को इतना बेतौकीर किया है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, तो सदर मुमलिकत की भी सोच पे अफसोस किया जा सकता है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी कोई सरकारी मरात नहीं लेंगे। अच्छे खासे डेंटिस्ट हैं, उनके साहबजादे ने भी एक बार की कंपनी से एक मुआहदा किया था अपने वालिद का फायदा उठाते हुए, तो पैसे तो उनको ठीक आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार के पैसे पे लीच की तरह उसको खून, उसका खून चूसना बंद कर दे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ये 5-10 रुपए जो महंगाई हुई है, इसको कम करने से कुछ नहीं होगा, वो जो 5 का टोला है उसको पकड़ना बड़ा जरूरी है। तो सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, वो ये है कि आप लोगों की 16 महीने हुकूमत रही है, जावेद लतीफ साहब 16 महीने हुकूमत खत्म होने के बाद भी कह रहे हैं कि वो 5 का टोला उसको पकड़ें, तो आप लोगों ने 16 महीने में क्यों नहीं पकड़ा वो 5 का टोला? देखिए बात यह है कि एक शख्स ने इस मुल्क में ये कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, अल्लाह करे कोई खुदकुशी ना करे, मगर वो एक खुदकुशी शायद कई खुदकुशियां बचा लेती। और देखिए 16 माह में हम तो आए थे मलबा उठाने, हमने सियासत नहीं चमकाई, सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाने को तरजीह दी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, एलसीआ ना खुलती, इंडस्ट्री बंद हो जाती, आपकी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती, लाइनें लगी होती बैंकों के बाहर, लोग पैसे निकलवाते, एयरलाइनें आना बंद हो जाती, पूरे मुल्क में एक क्राइसिस पैदा हो जाता। हमने पूरा जोर लगा के, पूरे हिम्मत हौसले के साथ 16 माह के अंदर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और कुछ स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए, IMF का मुआहदा तय किया। और देखिए उस दौर में भी, नियाज़ी साहब के दौर में जब FATF का मामला आया, पाकिस्तान की खातिर FATF के तमाम मामलात पे हम हुकूमत के साथ बैठे और वो कानून साजी करवाई। इन्होंने क्या किया कि हमारे दौर में डिफॉल्ट करवाने के लिए बाकायदा की कि IMF को इनके सुबाई बुजाए खजाना खतूत लिखें और IMF की डील को साबोटाज करें। तो देखिए हमने सियासी इंतकाम किसी से नहीं लिया, तुषाकाना का मुकदमा बना मेरिट पे बना, साइफर का केस बना मेरिट पे बना, मगर 2018 में हालात तो बहुत बेहतर छोड़ के गए थे। 16 माह तो आप इसको क्राइसिस मैनेजमेंट पीरियड समझिए, हंगामी बुनियादों पे ब्लीडिंग इकोनॉमी को जो प्लग कर सके, जो ब्लड सप्लाई दे सके वो दे दी गई।
मगर अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि 4 साल जो जादू टूना जंतर मंतर और तर्जमानों का इजलास पैंट पहन के काली एनके लगा के दोपहर को 2 बजे जो मीटिंग्स होती थी एक ईंट नहीं लगाई, IMF के मायदे को ताखीर का शिकार किया, ना सिर्फ ताखीर का शिकार किया 2 ट्राइड एंड टेस्टेड लोग लगा दिए, 6 माह से दुमत साहब जाया किए और उसके बाद पीपल्स पार्टी के साबिक अदवार के 2 मुद्राए खजाना जिसमें हफीज शेख साहब और शौकत तरीन साहब को किस्मत आजमाने का मौका दिया, उन्होंने भी भट्टा बिठा दिया। तो हमें अगर जांचना है तो 2018 के मैार पे जांचा जाए। 16 माह में तो न्याजी साहब ने जो कारस्तानियां की थी हम तो उसको कवर करते रहे हैं, और सियासी इंतकाम या पकड़ना ये हमारा काम नहीं था, मुल्क को संवारना हमारा काम था, उसके लिए काविश की है। बाकी जो केसेस बने वो मेरिट पे बने। तो देखिए, इस मुल्क को ठीक करने के लिए 5 साल का बकायदा मैंडेट चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंट इमरान खान के जो सहूलतकार थे, जो जिम्मेदार हैं इस तबाही और बर्बादी के, वो भी साथ शरीके जुर्म है। तो मैं अब यही कह सकता हूं कि हमने तो एक कौमी फर्ज अदा किया और अपने ऊपर ब्लेम भी लिया, आज भी हमारे हमें मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है, सही है, मगर ये हमने पाकिस्तान के लिए किया, रियासत के लिए किया। छोटा सा सवाल का जवाब दे दें कि जिन लोगों की आप बार बार जिक्र करते हैं, नून लीग 5 का टोला कहती है, उन्होंने आप लोगों की सियासत को तो सबूताज करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने रियासत को भी नुकसान पहुंचाया। देखिए, प्रोजेक्ट इमरान खान का जो लॉन्च था उससे रियासत को ना काबिले तलाफी नुकसान हुआ, ठीक है, एक फेल्ड प्रोजेक्ट, और जिस तरीके से RTS बिठा के इसको लॉन्च किया गया है तो वो हिस्से बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार है सारे सिस्टम के अंदर और इस कोलैप्स के अंदर, ठीक है। मैं कामरान मुर्तजा साहब आपसे पूछना चाहूंगी, इसके कहने पे किया आपने नैब तरमीम तो की, 90 से 14 पे आए, 14 से फिर 30 पे, ये वैसे मैं भी पूछना चाहूंगी ये किसके कहने पे क्यों? देखिए, मैं तो शुरू से नैब कवानीन को खत्म करने के हक में रहा हूं, मगर जब शाह महमूद कुरैशी साहब और उस वक्त की मलिका बुखारी साहिबा, इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि नैब तरमीम ना हो जब इनका दौर हुकूमत था, और जब हमारा दौर आया तो फिर हमने कोशिश की कि इस कानून को थोड़ा नरम किया जाए, बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बहाल हो, मगर जब अभी पीछे अमेंडमेंट्स की बारी आई तो मैंने सबसे पहले खड़े होकर कहा कि ये रिमांड 90 दिन का होना चाहिए जो अब 30 दिन का किया गया है। तो मैं और मेरे कुछ साथी, जिसमें वजीरे कानून और कामरान मुर्तजा साहब के दरीना दोस्त और साथी आजम नजीर तारर साहब शामिल थे, तो मैं अपने आप को और आजम नजीर तारर साहब को सफ में शामिल रखता हूं कि हम दो सबसे बड़े एडवोकेट्स थे कि ये नैब तरमीम जो है ये करके कानून को थोड़ा सख्त किया जाना चाहिए, ठीक है। और मेरी दुआ है, और इस वक्त देखिए मुनाफकत क्या हो रही है कि PTI सुप्रीम कोर्ट में है कि नैब तरमीम को खत्म किया जाए। अब अगर बंदयाल साहब पुराना लॉ रिस्टोर करते हैं और इन तरमीम को खत्म करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को, तरीके इंसाफ को और इमरान खान के साथियों को होगा। तो इसलिए फंसे हुए हैं, 50 के ऊपर हियरिंग हो गई है, ना इस तरफ लगा रहे हैं ना उस तरफ लगा रहे हैं। सर, ऐ दस दियो कि ये जो नैब तरमीम आपने की है सर जी, ऐ तुहाडे दौर दे विच होईयां ने ना, रिसेंटली होईयां ने, राइट जी? बिल्कुल। तो फिर जावेद लतीफ साहब जो कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत चला ही नहीं रहे थे, सर मैं इसको किस तरफ लेके जाऊं फिर? देखिए, जावेद लतीफ साहब का एक अपना ओपिनियन है, मेरी पार्टी के सीनियर एक लीडर हैं, उनकी राय की बड़ी एहतराम है, मगर वो ओपिनियन एवरीवन हैज देम, ओपिनियन का कोई नहीं है, ओपिनियन मेरा भी है, उनका भी है, मेरा मुख्तलिफ है। मैं अपने आप को एक बाइख्तियार वजीर समझता था और मैंने बड़ी फ्रीली काम किया, मैंने तो मुझे तो किसी ने नहीं तंग किया कि ये ना करें तो वो करें। तो मैं तो समझता हूं कि हम एक बाख्तियार हुकूमत थे, हुकूमत खत्म हो जाने के बाद किसी और पे मलबा डालना, मैं तो इसको वैसी एथिक्स के खिलाफ समझता हूं। तो उनका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन। आपका कमेंट चाहिए मुझे इस बात पर कि आप लोग अभी फ्यूचर में कभी भी, अभी नहीं तो कभी तो, PTI के साथ एक टेबल पे बात कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, करेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमें हकारत से देखा गया, हमें जेलों में डाला गया, हमें सजाएं दिलवाने की कोशिश की गई, हमें चोर डाकू लुटेरा पता नहीं क्या क्या कहा गया, और उसके बाद अपने करतूत ये हैं कि अपनी बेगम साहिबा ने घर पे कारोबार खोला हुआ था 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियों का और ब्रेसलेट्स का और नेकलेसेस का और इयररिंग्स का,
तो वो जो व्यापार था तो वो लूटमार में नहीं आता, चोरी डकैती में नहीं आता, अभी भी टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं माइनस इमरान खान। जरूर तरीके इंसाफ से बात की जा सकती है और मगर मुझे उम्मीद माइनस है कि इमरान इनकी खान, पार्टी चेयरमैनशिप जल्दी खत्म होगी, माइनस इमरान खान, और मुझे उम्मीद है सर कि इनकी माइनस नहीं पार्टी होता ना चेयरमैनशिप जल्दी कोई, खत्म सर होगी इलेक्शन अदालत कमीशन ऐसा में। माइनस किस तरह होता है? नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए, नहीं हुए ना सर? नवाज शरीफ साहब ने तो किया कुछ नहीं था ना, प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग का कोलैटरल डैमेज नवाज शरीफ साहब बने कि उसको लॉन्च करना मकसूद था, इनको इसलिए हटाया गया रास्ते से। तो इसने तो साइफर के जरिए, तोशाखाना के जरिए, मलिक रियाज के अल कादर ट्रस्ट के जरिए इतनी चोरियां डकैतियां गबन फ्रॉड किया है, इतना कुछ किया है, रियासत मदीना का नाम लेके, रियासत मदीना का दावा करके, इसको तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत जल्दी बाहर भी आना चाहिए या इसके साथ कोई रियायत बरती जानी चाहिए। तो माइनस इमरान खान जरूर तरीके इंसाफ से बात हो सकती है इसके होते हुए, क्योंकि ये गैर जमहूरी शख्स है, ये गैर जमहूरी निजाम का सरबरा रहा है और अभी भी वो डिक्टेटरशिप वाला जहन खत्म नहीं हो रहा। तो इमरान खान के होते हुए तरीके इंसाफ से कोई बात नहीं हो सकती। हाँ ये अलग बात है कि वो कोई बहुत ही सबक अपना सीख लें और कोई बहुत ही रिफॉर्म्ड होके वापस आए, जिसका इम्कान नहीं लगता। एक गरूर और घमंड वाला शख्स जो अपने आप को अकले कुल समझता है, अब कोई पता नहीं जेल से आके कहे कि मेरे से बेहतर जेल को कोई नहीं जानता, उज्बेकिस्तान गए तो उन्हें कहा कि आपके मुल्क से बेहतर मैं कोई नहीं जानता, मगरिब से मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, इस्लाम को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो अकले कुल है उसकी पता नहीं अकल टिकाने आती है कि नहीं आती। चले सर, उसको तो साइड पे रखे, मुझे ये बताएं इंतखाबात कब हो रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है फरवरी के मिड में इंतखाबात मुमकिन होंगे। हमारी जो इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात हुई उसमें 14 दिसंबर को जब हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है उसके 54 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, तो 15 से 25 फरवरी के दरमियान कोई भी डेट इलेक्शन की आ सकती है जिसपे इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकता है सही। और इसमें हर्ज भी कोई नहीं है, मगर ये तासुर जायल होना चाहिए कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे, इलेक्शन बिल्कुल होंगे और इंशाल्लाह मुझे फरवरी में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं।